आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दे वीडियो अच्छा लगे तो चलते वेज साहब की वीडियो वीडियो टाइटल कंपैरिजन बिटवीन कश्मीर एंड फलस्तीन प्रकाश राज बड़ी मजेदार होने वाली वीडियो आप भी देखिए वीडियो आप भी देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। कुख्यात एक्टर प्रकाश राज राइट जो फिल्मों में विलेन का रोल करते हैं, मुझे पहले से शक था लेकिन आज कंफर्म हो गया है कि वो रोल नहीं करते। ही इज जस्ट बीइंग हिज नेचुरल सेल्फ, वो रोल नहीं कर रहे, उनकी प्रवृत्ति ऐसी है भाई। तो मैं साफ मुंह पर बोल रहा हूं, एक छोटा सा वीडियो है प्रकाश राज का, वो आप देखिए, उसके बाद हम इस वीडियो को करेंगे दोस्तों एनालाइज। इन्होंने क्या क्या बड़े बड़े भंड मारे हैं राइट, हिट विकेट जो कहते हैं ना, और मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले वीडियो देखिए फिर मैं आपको बताता हूं। What is happening in Palestine is justice. What we need is justice. You can't take sides. There is no point in taking sides. You just give them their land. That's it. Their dignity. How they will survive is none of your business. Where are we? We want to be big brothers. We want to be big brothers to Kashmir. We want to be big brothers to Kashmir. Not done. देखिए दोस्तों आपने वीडियो, यहां पे प्रकाश राज दो तीन मूल बातें कह रहे हैं, मुख्य बातें कह रहे हैं, बेसिक। पहले तो कह रहे हैं कि यार फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन दे दो, कहानी खत्म करो, फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन दे दो, इतना बवाल क्यों है? हमें जज नहीं करना किसी को, हमें कुछ नहीं करना, फिलिस्तीनियों को जमीन दो, खत्म करो कहानी। दूसरा कहते हैं कि कश्मीरियों को हम लोग क्यों उनका बड़ा भाई बनना चाहते हैं, क्यों एल्डर ब्रदर बनना चाहते हैं, क्यों ऐसा करना चाहते हैं, क्यों वैसा करना है? तो इन्होंने फिलिस्तीन और कश्मीर को जोड़ दिया, वही पाकिस्तान का पुराना राग। अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक तो ये जितने भी अपने आप को सो कॉल्ड वामपंथी इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं ना, इनके अकल नहीं है, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ये अपनी फील्ड में ठीक ठाक होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हैं, बिल्कुल ही बैल बुद्धि हैं, ये नहीं कह रहा। लेकिन ये जब ऐसी फील्ड्स में घुसते हैं, और जो प्रकाश राज ने बोला है ना दोस्तों, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अब वो पब्लिक फिगर हैं, वो मूवीज में आते हैं, वो टेलीविजन पे आते हैं, तो थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करके अब मैं प्रकाश राज को बता देता हूं कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। जो ये कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस को उनका इलाका दे दो, पैलेस्टीनियंस के पास ऑलरेडी उनका इलाका है, एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो वहां पर राज कर रही है, और गाजा पट्टी पे 7 अक्टूबर से पहले हमास का राज हुआ करता था। हमास की प्रॉपर वहां पे एक हेल्थ मिनिस्ट्री थी, वहां पे सब कुछ था, हमास की पुलिस थी, हमास वहां पे पूरा कंट्रोल करके बैठी थी भाई। ये सब झूठे फिगर हैं, 30,000 मार दिए, 50,000 मार दिए। ये जो कह रहे हैं, ये जो कहते हैं गाजा के बारे में कि इतने मार दिए, इतने हजार मार दिए, ये किसने गिनी डेड बॉडीज, ये किसने बताया? ये हमास फिगर लीक करता रहता बीच बीच में, हवा में सुरसुरी छोड़ दी। मीडिया के पास कोई बंदा तो है नहीं वहां पे ग्राउंड पे, क्योंकि वहां पे आसमान से आग गिर रही है। तो जो हमास ने बोला वो बोला कि ये सच है। आज की तारीख में जो प्रकाश राज ने बोला है, दैट इज टिपिकली आईएसआई प्रोपोगेंडा। अब मैं प्रूव करूंगा क्यों आईएसआई प्रोपोगेंडा। दोस्तों आप देखिएगा, जब भी पाकिस्तानी मिनिस्टर या कोई भी जनरल बाहर जाता है, वो दो चीजों के बारे में बात करता है और दोनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। ये जरूरी है समझना कि दोनों को जोड़ना, पैलेस्टीन और कश्मीर, इनको जोड़ के रखो। क्यों? क्योंकि ये एक इस्लामिक उम्मा की बात है। इस्लामिक उम्मा क्या कहता है? इस्लामिक उम्मा ये कहता है कि साहब ये जो इस्लाम है, ये एक शरीर की तरह है, एक बॉडी की तरह, एक जिस्म की तरह है, एक एक को दर्द होगा, अगर हाथ में दर्द हुआ तो पैर में भी दर्द होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक फिलॉसफी है एक, ठीक है। एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट फिलॉसफी, जिसको जो सोचना है, हाथ पैर दर्द, जो भी सर में दर्द, वट एवर, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके, वो उनका अपना मैटर है, हमें उसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन ये जो बात बोली है, शायद प्रकाश राज को ये नहीं पता कि इनकी टेरिटरी गई कैसे। उनको पहले पता होना चाहिए, पैलेस्टीनियंस विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और पैलेस्टीनियन आपको ये विश्वास दिला देगा कि वो बेचारा, वो परेशान है ना, वो मासूम, उसके साथ बड़ा बुरा हुआ है। ये गाना गाना, रुदालीपना, ये पैलेस्टीनियन से बेहतर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मतलब दे आर बेटर देन द पाकिस्तानीज। अब आप समझ लो कितना टैलेंट होगा पैलेस्टीनियंस में रोने गाने का। देखिए, इन लोगों ने मिलकर 1967 पे इसराइल पे अटैक करा, इसराइल ने जूते मारे, इनको भगाया। इन्होंने अटैक क्यों करा? इन्होंने अटैक इसलिए करा क्योंकि ये इसराइल की टेरिटरी यानी कि इसराइल की जमीन को हड़पना चाहते थे।
ये 3-4-5 देशों में मिलकर अटैक कर दिया था। इसराइल ने सबकी वाट लगाई और इसराइल ने उल्टा उनकी जमीन कैप्चर कर ली। अच्छा, ये आए थे इसराइल की जमीन कैप्चर करने, इसराइल ने उनकी वाट लगा के उनकी जमीन कैप्चर कर ली, अब ये रोने लग गए, हाय हम बेचारे। तो गए क्यों थे अगर तुम बेचारे थे? तो मैं आपको बताता हूं। दूसरी चीज आपको ये बताना चाहता हूं, 1973 में योम किपुर वॉर हुआ था, फिर कई देशों ने मिलकर, जिसमें शामिल ये पैलेस्टिनियंस, ये सब लोग शामिल, इन्होंने फिर इसराइल पर अटैक करा, फिर उनको जूते पड़े, फिर ये हारे, फिर ये फलाना डिमका, इन्होंने बहुत इनके साथ हुआ क्योंकि इसराइल ने फिर इनकी और जमीन घेर ली, क्योंकि ये चढ़ दौड़े थे इसराइल के ऊपर पहले। ठीक है ना दोस्तों, 2005 में इसराइल ने $3 अरब खर्च करे और बोला कि जो भी फिलिस्तीनी है राइट, वो अपनी जमीन ले ले, हम अपने इसराइली वापस ले रहे हैं, वापस लो। यानी कि जो सेटलमेंट वहां पे थी गाजा पट्टी पे, जो सेटलमेंट थी वहां से पूरे के पूरे दोस्तों इसराइली पीछे आ गए थे, और $3 अरब खर्च करे, सबको जमीनें दी। आप अपने लोगों को पीछे हटाओगे तो आपको जमीनें देनी पड़ेंगी, घर बनाने पड़ेंगे, स्कूल बनाने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी, एक एक मोटा खर्चा होता है। इसराइल ने उस जमाने में 2005 में इसराइल ने $3 अरब खर्च करे, इसराइल पूरा पीछे आ गया। लेकिन ये हुआ क्यों नहीं? प्रकाश राज आपको असली बात नहीं बताएंगे, और मुझे लगता है कि उनको असली बात, मैं ये भी कहूंगा कि उनको पता है सच क्या है, लेकिन वो कभी आपको सच नहीं बताएंगे, क्योंकि सच उनके एजेंडा से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है। और सच है क्या? सच ये है दोस्तों कि आज की तारीख में सब इसराइल से कह रहे हैं कि तुम फिलिस्तीन पर बम क्यों गिरा रहे हो, तुम गाजा पट्टी पर बम क्यों मार रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, लेकिन कोई इसराइल को ये नहीं कह रहा कि आप एक काम करो, आप खत्म कर दो बमबारी, आप वापस चले जाओ, और हम आपको गारंटी देते हैं कि हमास और हिजबुल्ला आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे आगे से। ऐसी कोई बात नहीं कह रहा, ऐसी कोई भी बात नहीं कह रहा दोस्तों। ये इतना बड़ा फ्रॉड है वहां पे, इतना बड़ा फ्रॉड है। इसराइल को पता है, इसराइल को पता है कि सारे लोग, अब देखिए आज की तारीख में सब फिलिस्तीनियों के लिए रो रहे हैं, सब कह रहे हैं बेचारे बेचारे बेचारे। आप ये बताइए, क्या प्रकाश राज ने एक बार बोला कि 7 अक्टूबर को जो हुआ था, जो हमास वालों ने 1400 इसराइली मारे थे, काट दिए थे 1400 इसराइली, वो बात गलत है? क्या कोई बोल रहा है? कोई भी नहीं बोल रहा। अब आते हैं दोस्तों कश्मीर पे। ये कह रहे हैं कश्मीर के बड़े भाई। कौन है कश्मीर का बड़ा भाई? किसने बिहेव करा बड़ा भाई? कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, कौन कह रहा है? और अगर ये कहते हैं कि साहब वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा इसलिए बड़ा भाई, तो भाई कांग्रेस के टाइम पे तो कितनी बार आप जाके इंटरनेट पे चेक करिए, कांग्रेस के समय दोस्तों प्रेसिडेंट रूल लगता था तो यूपी में लग चुका है प्रेसिडेंट रूल। और बताओ यूपी में 90s में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 95 या 96 कभी उत्तर प्रदेश में लग चुका है प्रेसिडेंट रूल, फिर क्या दिक्कत है? कई जगह कई स्टेट्स में लग चुका है, तो अगर कश्मीर में लग गया तो क्या बुरा लग गया? वहां पे सिचुएशन ऐसी, और लोगों ने बोला है कि वापस उसको स्टेट का दर्जा देंगे और वापस वहां पे मुख्यमंत्री होगा और वापस पूर्ण राज्य का इसको दर्जा दिया जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब तो पार्लियामेंट में बात हो चुकी है, ये तो पार्लियामेंट में नोटेड है, अमित शाह जी का वादा है, वहां पर कहानी खत्म हो गई। दोस्तों ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट एजेंडा है जो प्रकाश राज जैसे लेफ्ट लिबरल्स चलाते हैं, हर समय कश्मीर और फिलिस्तीन को जोड़ना, कि जैसे ये दोनों कोट अनकोट प्रॉब्लम्स बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। कश्मीर, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, कश्मीर में अभी $14 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात करी है, कौन सा बिग ब्रदर? मुझे समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं कि वी शुड नॉट प्ले ब्रिग ब्रदर। हु इज प्लेइंग ब्रिग ब्रदर यार? कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का हिस्सा है, इसमें बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर क्या है? कश्मीरी हमारे भाई हैं, हम कश्मीरियों के भाई हैं, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बिग ब्रदर और स्मॉल ब्रदर। ये सब देखिए ना, मैं आपको बताता हूं, ये एक लॉबी है यहां पे, एक लेफ्ट लिबरल लॉबी है जो लोगों के दिमाग में गलत चीजें डालती रहती है कि दिमागी फसाद हो, लोग बोलें कि यार सही में कुछ गलत हो रहा है। मैं आपको आज की तारीख में बता रहा हूं, इसराइल को आज तक किसी ने ये नहीं बोला है, किसी ने, सब ये बोल रहे हैं कि लड़ाई रोक दो, कोई ये नहीं कह रहा कि ठीक है अगर तुमने बोल दिया कि पैलेस्टीन अलग हो जाएगा, अगर तुमने बोल दिया कि ठीक है पैलेस्टीन तुम्हारा टू स्टेट सोल्यूशन हो जाएगा, हम गारंटी लेते हैं कि आगे से वो तुम्हें अटैक नहीं करेंगे। वो नहीं, असली बात ये है कि वहां के जो लोकल्स हैं, ठीक है, चाहे वो लेबनन के हों चाहे वो पैलेस्टीन के हों, और मैं आपको बता रहा हूं ज्यादातर जो मुस्लिम स्ट्रीट है, मैं देशों की बात नहीं कर रहा, मैं सड़क पे चलते हुए मुस्लिम स्ट्रीट की बात कर रहा हूं, दुनिया भर में 90% ऑफ देम डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल, दे डू नॉट एक्सेप्ट इसराइल फ्रॉम देयर हार्ट्स। जो हमास कहता है, मैं पूछना चाहता हूं प्रकाश राज जी से, सर आप बताइए इसका क्या मतलब है, फ्रॉम द रिवर टू द सी,
पैलेस्टीन विल बी फ्री, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट्स वेरी इजी फॉर यू टू से यू नो पैलेस्टीन, जस्ट गिव देम द लैंड. दिस इज जुवेनाइल बिहेवियर, विच मीन्स दैट यू डोंट, मिस्टर प्रकाश राज, यू डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट. यू डोंट नो वेयर द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड. You don't know how it started. You have not read history. You don't have any experience in this field. Stick to acting. Stick to acting. Stick to your roles as a villain. तो जी दोस्तों वीडियो भी खत्म. खत्म. बड़ी बात जो है ना authentic उसने की है. किसने? प्रकाश राज ने. मैं बात ये करना चाहता हूँ. ये कोई पाकिस्तान तो नहीं बोला. नहीं. पहली बात ये इंडियन बोला. लेकिन ये है भी हिंदू. अच्छा मेरे साहब ने बात की फिलिस्तीन की जमीन ऑलरेडी के पास है. ठीक है, चले ठीक है. 7 अक्टूबर के हमले से पहले आप मेरे सभी गलत बयानी कर रहे हैं. बहुत ज्यादा गलत बयानी कर रहे, थोड़ी बहुत ही मेरी जो चले. अगर फिलिस्तीन बोल दिया तो आपको मिर्चा क्यों लगी? मेजर साहब तो वाकई आज भड़क गया, जैसे भड़कना कहते हैं ना. आलोक सर मैं उनको सर कहूंगा, मैं अंकल क्या सर कहूंगा. आलोक सर जो है ना, तुम्हारा भी कोई भाई बाप हो ना, कभी तो सर कह जाए कभी अंकल कह जाए. उनकी अच्छी बात पर मैंने कहा और बुरी बात जो मुझे लगी थी ना. अंकल बहुत बात है. तो इनकी ये है कि ये देखे ना कि फलस्तीन के बारे में जब भी मैंने इनको सुना है ये हमेशा ही उनके अगेंस्ट ही बोले हैं फलस्तीन के. और इजराइल का इन्होंने साथ दिया, इजराइल ने सही. मैं तो इस चीज पर हैरान हूं कि एक इंडियन हिंदू कैसे फलस्तीन की फेवर में बोल सकता. मैं इस चीज में हैरान. फिर कश्मीर की बात कर दी है. फिर कश्मीर की बात कर दी. मैं तो इस चीज में हैरान हूँ, शॉकिंग इस बात पे. और ये आम कोई बाटी रही है? ये इंडिया के बहुत बड़े लेजेंड है. बिल्कुल बड़ी, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है. इसने इन्होंने मूवीज बनाई है. उरी मूवी जो है ना उसमें ये बहुत बड़े इनका रोल है भाई. टॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार है. बॉलीवुड में भी काम किया हुआ है. बॉलीवुड में भी है यार इतने. तो ये सब कुछ जानते हैं. एक मिनट, फिर मेजर साहब ने बात की कि उनको कोई अकल नहीं है, उनको बात करने का तरीका ही नहीं है. मैं कहता हूँ कि जितना मेजर साहब की मतलब कह रहे ना उम्र है उनका, उतना एक्सपीरियंस होगा. कितने वर्ष मैं उनको देख रहा हूँ और इतने अच्छे से जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं मूवीज में. एक और बात, बड़े स्टार मेजर साहब की. एक और बात मेजर साहब उनको ऐसे कह रहे हैं जो कोई फलस्तीन के बारे में बात करता है या खालिस्तान के बारे में. एक और बात, फलस्तीन खालिस्तान या कश्मीर, ये उनको ISI से जोड़ देते. क्यों? क्या सबूत है? बेटे साहब के पास क्या सबूत है कि ये आई? वो यार तुम्हारा हिंदुस्तान का बंदा है, हिंदू है, इस पर भी तुम कहने लग गए ये भी ISI का? यार ज्यादा तो कोई बात, खुदा का नाम लो, भगवान का नाम लो, किसी को तो छोड़ दिया करो. कोई बात तुम्हारे खिलाफ कर दे वो ISI का बंदा है, वो उसका बंदा है, वो उसका बंदा है, तुम्हारा अपना बंदा कर. तुम भी कहना शुरू कर दो कि फलस्तीन आजाद करो तो तुम भी फिर ISI के बंदे होगे. यार ये मेजर साहब ये वाकई गलत कर रहे हैं, इनको इस बातें करने से परहेज करना. यार आज तो मुझे अजीब सी बदक लगी है. कोई बंदा खालिस्तान की बात कर दे, कोई बंदा फलस्तीन की बात कर, ये जो ISI का बंदा ये तो हमारा है ही नहीं, तो उसको दफा करो, निकालो इंडिया से, जान छुड़वाओ. सही बात है. तुम इतने जोगे हो तो निकालो इंडिया से उसको. उसने बयान दे दिया, अब क्या कर लोगे तुम? हर एक को ये तंकीद कर देता है. वो कहता है भाई आलम फाला हूँ. मेरे साहब कहते हैं मुझसे कोई अकलमंद नहीं है, मुझसे कोई बड़ा नहीं है, मुझसे कोई समझदार नहीं है. जो कोई बोलेगा फैसले के बारे में वो या ISI का एजेंट है ओ या हिंदुस्तानी ने, यार उसके भेजे में मारो फायर, उससे जान छुड़वा. बात खत्म. तुम कितने जोगे हो तो तकरीबन हर बात को ISI पाकिस्तान ISI. ओ यार ये इंडियन है, हमारा नहीं है फलस्तीन. आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू लिया हो ना इंडियंस ने फलस्तीन पर, झूठा पॉइंट ऑफ व्यू है. वो जमीन फलस्तीनियों की है. ठीक है, 1965 में वॉर की बहारे वार जब होती है, एक घर ने जीतना होता है, एक घर ने हारना होता है. लेकिन सच ये है तुम झूठ का साथ दे रहे हो. झूठ की तो आपकी सारी की सारी बातें झूठी है फलस्तीन के मामले पर. फलस्तीन फलस्तीनियों का, इसराइलियों का नहीं है, यहूदियों का नहीं है,
आप इस तरह वाकई झूठ का साथ दे रहे हो। हाँ, आप कई लोग कहते हैं इतनी पुरानी हिस्ट्री है, इतने पीछे चले जाओ, तो मैं कितनी मतबा चैलेंज कर चुका हूँ, तो करो तकसीम उस लिहाज से, है पावर तो कर दो उसको। तो इंडियन कहाँ हो गए, हिंदुस्तानी कहाँ हो गए, या बांग्लादेश अब तकसीम हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, करो आप तकसीम उस लिहाज से। यार है बातें करने वाली इनकी, बिल्कुल ऐसे ही बनता है अगर इनको चाहिए। फलस्तीन पर आज भी मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है, जालिम है इजरायली, कुत्ते बेगारत है, जालिम है, और जालिम के साथ देने वाला भी जालिम होता है, उससे बड़ा जालिम होता है, अकेला जालिम नहीं होता। और बाकी मेजर साहब, ये इंडिया जानते हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है। हम जो है ना, एक बात जो ये खालिस्तान के मामले में, हमारा उससे कोई लेन देन ना ही, हम उसको सपोर्ट करते हैं ना ही हमारा उससे बात, लेकिन बात इसलिए उसकी करती क्योंकि आईएसआई के साथ मेजर साहब ने उनको भी जोड़ा था और इसको भी आईएसआई के साथ जोड़ दिया है। ये आने वाले दिनों में, अगर आने वाले दिनों में अगर प्रकाश राज और भी कोई बात की, तो मुझे तो लगता है कि मेजर साहब उसको ये बात भी कहेंगे कि ये है ही आईएसआई का एजेंट। और यार अभी नहीं कह रहे, नहीं वो मुद्दा कह रहे कि ये बयानियां उनका ही है, लेकिन आने वाले दिनों में भी ये कह देंगे कि है बंदा ये आईएसआई का है। इतनी बड़ी शख्सियत को, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को ये उनकी जो जगह है उनको दो, इस हिसाब से तो सच बोल रहा है इसराइल जो है वो उनका बनता है। हम मानते हैं वो आपके इसराइल आपका बहुत अच्छी है जो है ना, कंट्री दोस्त है आपका, लेकिन दोस्ती में आप क्या सच हो जाएगा, आप भूल जाएंगे कि सच क्या है झूठ क्या है। आप भाई वाकई हम इस बात पे मानते हैं कि इंडियन इंडियन मुस्लिम ये बात, इसराइल एक जालिम कौम है, यहूदी एक जालिम है। अच्छा मैं कई वर्तमान भाई बुद्ध बाबा जब उसको हिटलर ने ठोका था, उनकी बैंड बजाई थी उन बेगैरतों की, उस पर कभी बकवास करते कोई, पर उस पर बैंड बजाई थी ना, 60 लाख छोटी आबाद गई है, और उस वक्त जब आबादी भी थोड़ी थी, आज से करके 3-4 गुना आबादी कम होगी। आज तो उधर क्यों नहीं बोलते, उधर क्यों नहीं कहते होलोकॉस्ट खराब गलत हुआ। ये तकरीबन 2-3 कंट्रियों की आबादी को उसने खत्म कर दिया था आज के वक्त के मुताबिक कह रहे हो, लेकिन उस वक्त आबादी भी कम थी। उनकी बाएं उनकी चीख निकल जाती है जब होलोकॉस्ट का नाम आता है, क्योंकि ठोका था हिटलर ने, बस अच्छी तरह बजाई थी। अच्छा हिटलर मुस्लिम भी नहीं था, नहीं था मुस्लिम भी नहीं था। हाँ एक और पॉइंट आ गया मेरे ध्यान में, अच्छा हुआ पक्ष, क्या वो टेररिस्ट नहीं है हिटलर? उसको कभी नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना इंडियन किसी से भी। हिटलर टेररिस्ट नहीं, उसने 60 लाख यहूदियों को मारा। कह जे तो जंग में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन अगर उसको इस लिहाज से कहें कि पा मुस्लिम भी टेररिस्ट है, वो उनके खिलाफ जो है ना जिहाद करते, तो आप उसको भी टेररिस्ट, वो तो सबसे नंबर वन टेररिस्ट फिर होगा। 60 लाख को उसने मारा हुआ, सबसे बड़ा कातिल, तो हम तो उसके भाई फेवर में। या फिर अगर आप इतने उनके हमदर्द हो इसराइल के, तो लो फिर जर्मनी से बदला लो। कश्मीर के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं कि उसने कहा कि आप चलो कश्मीर का, तो यार मैं बड़े भाई क्यों बनते हैं यार, कश्मीर का तकरीबन मुद्दा हल हो चुका है तकरीबन। आपके कंट्री वाले तो अभी भी कहते हैं कश्मीर हमारा, कहते हैं हर एक पॉइंट पे आपने कहा ना कि अपना होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहां के लोगों का बयानिया सुना है, वो कहते हैं हम खुश है, हमें वहां पर सहूलियात मिल रही है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे तो कम से कम जाना ये नहीं मुद्दा उठाना चाहिए। आपको पता नहीं, अब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।